खुद पर ध्यान दे मेरे भाई, मारा नाम तो शुरू से ही बदनाम है। कोई पता नहीं कद मुक जाना जोने आया खरी साहा ते यार बिच बैठे काही। जिंदगी मौत से कटनी चाहिए, मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है, तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। कोई जरूरी थोड़ी कि सिर्फ मुजरा का मजा लिया जाए, मजा तो युद्ध का भी लिया जा सकता है ना। अरे पापा की परिंदा हाथ जोड़ के निवेदन है, आसमान ना खाली कर दो, बाज उड़ेंगे अब। लड़कियां बोलती हैं प्लीज मेरी दोस्त को हाथ मत लगाना, और हम लड़के एक बाप की औलाद है तो हाथ लगा के देख। ये बात सिर्फ लड़कों के लिए, ये फालतू के रिश्ते बनाने से बेहतर है बॉडी और पैसा बनाओ। सर आप अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए यंगस्टर्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे? एक टिप एक्चुअली, बॉडी बिल्डिंग 3, 4, 6, 9 महीने, 10 महीने का गेम नहीं है, दिस इज अ लाइफस्टाइल। तो जब आप 5-6 साल कंटिन्यू मेहनत करोगे तब आपसे कौन पंगा लेगा, बाकियों से तो ले सकते, करण जौहर से ले लिया, रणबीर कपूर से ले, सलमान खान से पंगा लेना कोई आसान काम। भागूंगा तो नहीं, मैं जिंदगी में आज तक कभी भागा नहीं हूँ, दौड़ा जरूर। भागने वाला तो आज तक कोई काम ही नहीं किया, जो भी किया खोले आम। लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, ये दुनिया चाहे ना चाहे एक रोज तुम्हें ये सराखों पे बिठाएगी, बस शर्त यही है कि जो भी कर रहे हो उसमें लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। यकीन मानो जो प्यार मोहब्बत से बचा है हमेशा उसी ने इतिहास रचा है। पैसों के पीछे भागना अच्छी बात है, मगर कुत्तों की तरह नहीं, चीते की तरह। किसकी तरह? चीते की तरह। वो बोल रही थी मैं तुम्हें अपनी गाड़ी चलाने नहीं दे सकती, अब्बू मारेंगे। और हम लड़के भाई टेंशन फ्री होके चला, अपनी गाड़ी है। यकीन मानो जो प्यार मोहब्बत से बचा है हमेशा उसी ने इतिहास रचा है। खानदान में सब कहते हैं बेटा तुम बहुत बिगड़ गए हो, मैंने कहा तुमने कौन सी बेटी देनी है। मशवरा मत दीजिए जनाब, साथ दीजिए, क्योंकि हमारा वक्त खराब चल रहा है, दिमाग नहीं। और जिस दोस्त को तुम माँ की गाली देते हो उस दोस्त की माँ तुम्हें अपने बेटे जैसा मानती है। हमारे बारे में इतना मत सोचो, क्योंकि हम हर बार नए अंदाज में आते हैं। रंगीलो भारत, देखो ऐसा भी नहीं कि भी शरीर से लंबे चौड़े हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा है, ऐसा भी नहीं कि साथ में 10-20 लौंडे ने लेके घूम रहे, यूं समझ लो हम तो चूतिया हैं। पर तुम छेड़ के देखो, दिल में जिम और जिम में हम, फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि जिंदगी में कौन हो रहा है ज्यादा और कौन हो रहा है कम।